तो एक सीन आपको इस जगह के मिल जाएंगे, ये पहाड़ का नजारा आप अच्छे से मैच करा सकते हो इस फार। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आज एक और शूटिंग लोकेशन पर मैं आया हूँ 1996 के अंदर। 1996 अप्रैल के महीने में एक मूवी आई थी, उसका नाम है साजन चले ससुराल। जिसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इसमें आपको डेविड धवन सर इसके डायरेक्टर थे, और एक गाना है इसके अंदर राम नारायण बाजा बजाता। तो इस गाने की शूटिंग लोकेशन की बात की जाए तो अलवर, राजस्थान के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक झील पड़ती है सिलीसेट लेक। तो इस सिलीसेट झील पर मैं हूँ, पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू। तो इसी पर एक गाना शूट हुआ था राम नारायण बाजा बजाता। तो इस गाने की शूटिंग लोकेशन आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो इसमें करिश्मा कपूर मैम है वो है, और जिनका नाम पूजा होता है, और गोविंदा सर जिनका नाम श्याम सुंदर जी होता है, और तब्बू भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। कादर खान सर भी इसके अंदर हैं। तो चलते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपको मैंने फिर दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं साजन चले ससुराल मूवी की शूटिंग। तो एक बार आप फाइनली यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, इधर की तरफ राहुल व्लॉगर और ये भाई हैं, इधर का नज़ारा आप देख सकते हो फाइनली। तो वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इधर का चारों तरफ का एक बार व्यू आपको दिखा देते हैं अच्छे से। तो पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हो, अरावली जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में ये एक झील है सिलीसेट झील। तो इस झील पर करण अर्जुन मूवी की भी शूटिंग हो चुकी है, जो आपको दिखाते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस और इससे पहले एक मूवी आई थी 1980 के अंदर चंबल की कसम, उस मूवी की भी शूटिंग हो चुकी है, तो वो भी आप देख सकते हो। ये भाई इसमें आ रहा है, तो ये भाई को आप अच्छे से देख सकते हो। तो इधर का व्यू आपको दिखाते हैं, देखिए। तो अब करते हैं स्टार्ट। तो मूवी के अंदर जब वो गाना होता है राम नारायण बाजा बजाता, तो एक सीन के अंदर फाइनली आप देख सकते हो पीछे का नज़ारा आपको, ये जो होटल बनी हुई है ये इस होटल का नज़ारा आप इसके अंदर देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में। और इसी जगह पर वो डांस करते रहते हैं गोविंदा सर, और करिश्मा मैम इधर से आती हैं। तो उस टाइम यहाँ पर इस जगह पर सरसों के फूल थे, सरसों के मतलब सरसों बो रखी थी उस टाइम। तो अब इस जगह पर सरसों थी, अब बारिश अच्छी हुई है राजस्थान के अंदर, तो सिलीसेड फुल भर चुकी है। तो इस जगह के वो सीन किए गए हैं। पीछे के बैकग्राउंड में आपको इधर के भी सीन मिलेंगे देखने को, ये पहाड़ के, और ये देख सकते हो इस जगह का सीन बैकग्राउंड में। और दूसरे सीन की बात की जाए तो एक सीन आपको इस जगह के मिल जाएंगे, ये पहाड़ का नज़ारा आप अच्छे से मैच करा सकते हो इस पहाड़, और एक सीन यहाँ से लिया गया है, तो ये भी देख सकते हो आप अच्छे से। और इसी जगह पर सरसों के पेड़ थे उस टाइम, तो सरसों के पेड़ थे उस टाइम, और कुछ सीन यहाँ से गेहूँ के भी लिए गए थे, तो इसी जगह के वो सारे सीन शूट किए गए थे। तो आप अच्छे से देख सकते हो इधर का नज़ारा भी। एक सीन के अंदर आपको इधर का बैकग्राउंड भी मिलेगा, ये देखिए पीछे के सीन। तो करिश्मा मैम इधर से सामने से आती हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं उनके साथ जो डांसर होती हैं वो, और गोविंदा सर इसी जगह डांस करते हैं सरसों के जो फूल होते हैं पेड़ इसी जगह पर। तो बैकग्राउंड में आपको ये नज़ारा भी आप देख सकते हो अच्छे से, अरावली पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के ऊपर ये एक पैलेस बनाया गया है। इस पैलेस के अंदर आने के लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे, 100 रुपये पे करने के बाद आप इसमें जा सकते हो, और जाने के बाद आपको एक कोल्ड ड्रिंक उसके साथ आपको फ्री मिलेगी। तो आप देख सकते हो नज़ारा आपको अच्छे से, और वीडियो की क्वालिटी कैसी है वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आपको एक बार यहाँ का इधर का भी नज़ारा दिखा देते हैं, और ये उफरा है, उफरा होने चलने के बाद इससे उफरा से पानी इधर को जाता है, तो ये देख सकते हो ये फुल हो चुका है अभी। इसमें कुछ इधर को देखते हैं तो कुछ कमी है, तो वो आप फाइनली देख सकते हो। और ये हमारा हीरो है, क्योंकि ये अभी सीली शेड के अंदर नहाकर बाहर निकले हैं। हाँ भाई, अब नहीं जा रहा कि नहाने के लिए? नहाने यार। क्यों? एक बार और यार।
चलो आ जाओ। तो अभी भाई वापस से आएंगे नहाने के लिए, तो आप देख सकते हो इधर भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और आपको यहाँ पर मगरमच्छ भी देखने को मिल सकते हैं, वो भी आप देख सकते हो। देखिए तो एक सीन इसका भी दिखाया गया है इस जगह का, तो ये बैकग्राउंड के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और इधर का आप सीन देख सकते हो तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और होटल की बात की जाए तो ये इसका भी आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों आपसे लेते हैं विदा दोस्तों।